दोस्तों नवरात्रे का टाइम चल रहा है और हमारे भारतवर्ष में ज़्यादातर घरों में 9 दिन तक व्रत रखते हैं। तो इन दिनों व्रत वाले नॉर्मली खाना नहीं खा सकते। तो इन दिनों व्रत वालों के लिए जैसे कि सामा के चावल, कुट्टू का आटा, सिंघाड़े का आटा, ये चीज़ें आती है। तो व्रत वालों के लिए ये चीज़ें बनती है। तो दोस्तों आज मैं व्रत वालों के लिए कुट्टू के आटे की पकौड़े की रेसिपी लेके आई हूँ, जो बहुत आसान तरीके से और कुछ अलग ट्रिक से बनने वाली है। तो दोस्तों ये रेसिपी देखने के लिए आपको बिना स्किप किए ये वीडियो एंड तक देखनी होगी, क्योंकि कुछ टिप एंड ट्रिक्स होंगे जो मैं आपको बताने वाली हूँ। बिना किसी देरी के फटाफट कुट्टू के आटे की पकौड़ी बना लेते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं चंचल और आप सभी का स्वागत है आरसी फूड केंद्र में। तो चलिए दोस्तों फटाफट इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। मैंने 250 ग्राम कुट्टू का आटा लिया है और स्वाद अनुसार नमक, दोस्तों ये सेंधा नमक है, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, 2 से 3 कटी हरी मिर्च, 3 से 4 चम्मच दही और 3 मीडियम साइज़ के आलू। आलू को छील लेंगे दोस्तों। पकौड़ों के लिए बैटर तैयार कर लेते हैं। हम यहाँ आलू उबले हुए नहीं लिए हैं, कच्चे आलू लिए हैं और इसे घिस लेंगे दोस्तों। छोटे की तरफ से घिसें, आप चाहो तो उबले हुए आलू डाल सकते हो दोस्तों, मैं यहाँ कच्चे आलू का यूज़ कर रही हूँ। तीनों को घिस लेंगे। घिसने के बाद यहाँ हम कुट्टू का आटा डाल देंगे, दही डाल देंगे, हरी मिर्च डाल देंगे और आप जैसा भी तीखा पसंद करते हो उस हिसाब से मिर्ची डाल देंगे और स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। यहाँ पे मैंने दोस्तों 1/2 चम्मच मिर्ची डाला है। बैटर बना लेंगे। इसमें हम पहले पानी नहीं डालेंगे, पहले हम ऐसे ही मिक्स करेंगे, क्योंकि हमने कच्चे आलू का यूज़ किया है तो वो पानी छोड़ता है और हमने दही डाला है तो एक तरह का वो भी लिक्विडी है। देखिए दोस्तों इस तरीके से आपको भी पानी डालना है, डायरेक्टली पानी नहीं डालिएगा, बैटर गीला हो सकता है। इस तरीके से 2 से 3 बार करके थोड़ा थोड़ा पानी डाल लेंगे। देखिए दोस्तों बैटर बनके रेडी हो गया है और यहाँ हमें बस 1/2 कप ही पानी लगा है। आपको भी इस तरीके से बैटर बना लेना है। अब हम तेल गरम कर लेंगे पकौड़ों को तलने के लिए। दोस्तों आप बेफिक्र होके ये रेसिपी ट्राई कर सकते हो, क्योंकि हमने इसमें सारी चीज़ें वही डाली है जो व्रत में खाई जाती है। तो आप बेफिक्र होके ये पकोड़े खा सकते हो और ये रेसिपी ट्राई कर सकते हो। तो दोस्तों तेल में थोड़ा सा बैटर डाल के चेक कर लेते हैं तेल गरम हुआ या नहीं। देखिए दोस्तों अभी तेल नॉर्मली गरम नहीं हुआ है, तो हम थोड़ा सा तेल और गरम कर लेते हैं। यहाँ हमें तेल को ज़्यादा गरम नहीं करना है, नॉर्मली गरम करना है, ना ज़्यादा गरम ना ज़्यादा ठंडा। देखिए दोस्तों तेल गरम हो गया है, अब हम इसमें बैटर डाल देंगे और ये ध्यान रखें बार बार हाथ को गीला कर करके, आप जब जब बैटर तेल में डाल रहे हो हर बार आपको हाथ गीला करना है, नहीं तो बैटर हाथ में चिपक जाएगा। तो इसलिए आपको हर बारी जब जब बैटर डालना हो जब जब आप हाथ गीला कर लीजिएगा। अब हम इसमें पकोड़े की तरह बैटर डाल देंगे कुछ इस तरीके से। दोस्तों आप जिस साइज़ का पकोड़ा बनाना चाहते हैं बना सकते हो। देखिए मैंने 6 से 7 पकोड़े बनने के लिए बैटर को तेल में डाल दिया है और गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे। हमें इसी फ्लेम पे पकोड़ों को तलना है, जब ही आपके पकोड़े अच्छे से क्रिस्पी होंगे हम इससे हाई फ्लेम नहीं करेंगे। अब सारे को हम पलट लेते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अपनी फैमिली मेम्बर और फ्रेंड्स को, ताकि वो भी ये रेसिपी बना सके नवरात्रि के टाइम पे। सारे पकोड़ों को पलट लिया है, अब हम दूसरी साइड भी अच्छे से पका लेंगे। देखिए दोस्तों इस तरीके से हम पकोड़ों को ब्राउन कर लेंगे। अब हम निकाल लेते हैं, हमारे पकोड़े हो गए हैं। इसी तरीके से मैं सारे पकोड़े तल लेती हूँ। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हो और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया
तो फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप सभी को मिलती रहे। अब ये भी पकोड़े हो गए हैं, ये भी निकाल लेते हैं। दोस्तों, अगर आपको और किसी रेसिपी की वीडियो देखनी हो तो वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। और भी मैंने रेसिपी बना रखी है दोस्तों, अगर आपको सूजी का हलवा या चावल की खीर की रेसिपी देखनी हो वो भी आप मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हो। उन दोनों के वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन और आई बटन में डाल दूंगी, आप चाहो तो वो वीडियो देख सकते हो। दोस्तों, इसे दही के साथ खाइए, दही के साथ बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगते हैं ये पकोड़े। ये दही घर की है। अगर आपको दही की भी वीडियो देखनी हो तो मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन और आई बटन में डाल दूंगी, आप चाहो तो वो वीडियो देख सकते हो। दही पे हल्का सा स्प्रिंकल कर लेंगे मिर्ची पाउडर से और सेंधा नमक से। तो चलिए दोस्तों, अब आप लीजिए दही के साथ इन पकौड़ों का मज़ा, और हम मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।